हरिद्वार हाईवे पर पुलिस चेकिंग का विरोध करने और जाम लगाने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में आरोपित पक्ष रामपुर से सपा सांसद आजम खान के अधिवक्ता ने कोर्ट में कुछ दस्तावेजों को लेकर आपत्ति दाखिल की है। इसके बाद कोर्ट के मामले की सुनवाई के लिए 4 सितंबर की तारीख दी है। आपको बता दें, साल 2008 में छजलेट थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के विरोध में तत्कालीन सपा विधायक आजम खान और अन्य सपा नेताओं ने हरिद्वार हाईवे जाम कर दिया था। छजलेट थाना पुलिस ने उनके साथ ही अन्य सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अदालत में लगातार गैर हाजिर रहने के कारण उनके खिलाफ साल 2020 में फरारी का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमे की अब सुनवाई हुई है। आजम खान के अधिवक्ता साहन व सिप्तैन ने बताया कि वादी पक्ष की ओर से जो दस्तावेज दाखिल किए गए हैं वो चार्जशीट के साथ होने चाहिए, उनको लेकर आपत्ति दाखिल की गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आगामी 4 सितंबर की तारीख दी है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।